नमस्कार मातृशक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थायराइड को लेकर हमने पहले भी दो वीडियोस डाले हैं, इसमें थायराइड क्या होता है, थायराइड से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या प्रेगनेंसी के समय थायराइड की क्या आवश्यकता होती है, प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं, इन पर हमने चर्चा की है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थायराइड के क्या उपचार होते हैं, थायराइड से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने एक नया यूट्यूब चैनल क्लासिकल एंड फ्यूजन के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम आपको संगीत और कला के काफी सारी विधाओं के नोट्स देंगे, ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, आपके बच्चे सीख सकें, और साथ ही साथ गायन वादन और नृत्य के द्वारा आप अपना मनोरंजन भी भरपूर प्रकार से कर सकें। आप एक बार चैनल पर जरूर आए, देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मातृशक्ति, प्रेगनेंसी के समय थायराइड की समस्या काफी गंभीर समस्या मानी जाती है। इसकी वजह से गर्भ में बच्चे का विकास रुक जाता है, तो इस वजह से आपको थायराइड हो या ना हो, एक बार थायराइड का चेक अवश्य करा लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, थोड़ा सा ब्लड देने के बाद ही पैथोलॉजी वाले आपको थायराइड के बारे में सारी जानकारियां दे देते हैं। आप अच्छे से जान सकते हैं कि आपके थायराइड का लेवल क्या है। अगर आपके शरीर में थायराइड का लेवल आवश्यक लेवल से कम आता है या उसके पास आस पास आता है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म अर्थात हाइपोथायराइड की समस्या है। इसके लिए डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसके शरीर में हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाए। और अगर आपको थायराइड का लेवल आवश्यक लेवल से ज्यादा है उसके आस पास है, तो इसके लिए डॉक्टर दवाई नहीं देते हैं। इसके जो भी साइड इफेक्ट हो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है मेडिसिन के द्वारा। रोज रोज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई रिसर्च हो रही है, इसके अलावा कुछ ऐसा लेटेस्ट हो सकता है जो हाइपर थायराइड को कंट्रोल करने के लिए चीजें प्रयोग में लाई जा रही हो। हाइपर थायराइड की समस्या गंभीर हो जाती है, इस स्थिति में डॉक्टर हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं, जैसे कि शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो सकती है, जिससे आपको संक्रमण हो सकता है, त्वचा में रेशेस या खुजली हो सकती है, कुछ विलक्षण मामलों में लीवर काम करना बंद कर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, ऐसा ना के बराबर ही होता है। कुछ ऐसे लक्षण भी नजर आते हैं जिसे लक्षणों के नजर आने पर तुरंत एंटी हार्मोन्स मेडिसिन को लेना बंद कर देना है, जैसे कि आपकी त्वचा अगर पीली नजर आ रही हो, अगर आपके पेट में हल्का दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपके गले पर सूजन चढ़ गई हो और आपको लगातार बुखार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एंटी थायराइड मेडिसिन लेना बंद कर दें। थायराइड से बचने के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड नहीं है तब भी आप यह कार्य कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर की सलाह पर प्रतिदिन व्यायाम की आवश्यकता होती है, जो कि प्रेगनेंसी के समय किए जाते हैं, उनसे थायराइड आपका नियंत्रण में रहेगा। आप किसी प्रशिक्षक की देखरेख में योगा मेडिटेशन कर सकती हैं, क्योंकि आप गर्भवती हैं। सुबह और शाम को करीब आधा घंटा खुली हवा में पैदल चलें। थायराइड की समस्या होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही थायराइड का चेकअप करवाना बिल्कुल ना भूलें। जनरली होता है क्या है कि हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि चलो अभी 10-15 दिन बाद करवा लेंगे। थायराइड को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर के नियमानुसार ही चलना है, क्योंकि इसके बिगड़ने से सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। प्रेगनेंसी का समय काफी नाजुक होता है, अगर डॉक्टर की देख रेख में आपको लगता है कि डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, कुछ और दिन बाद चेकअप करा लेंगे, तो जरूरी नहीं है थायराइड की दवाई हो, ये साइड इफेक्ट को दूर करने की दवाई भी हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलें। अगर डॉक्टर ने 10 दिन बोला है, मतलब आप 10वें दिन करा लें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।